हाय फ्रेंड्स, लर्न विद फन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। दूसरी इकाई, आठवीं कक्षा, हिंदी सुलभ भारती। हिंदी सुलभ भारती में जो पांच नंबर का पाठ है, पाठ का नाम है खेती से आई तब्दीलियां। इस पाठ में पृष्ठ क्रमांक 36 से लेकर 38 तक जो भी सवाल आए, उन सभी सवालों के जवाब हम आज के वीडियो में लेने वाले। चलो तो शुरू करते हैं इस पाठ में आए सभी सवालों के जवाब। हमें पठनीय, पठनीय में हमें दिया है बालवीर पुरस्कार प्राप्त बच्चों की कहानियां पढ़ो। आपको बालवीर प्राप्त जो बच्चों की कहानियां पढ़नी है तो यहाँ पर दो कहानियां मैंने दिए, आपको जो भी अच्छी लगे आप पढ़ सकते हो। लेखनीय, लेखनीय में हमें दिया है वन महोत्सव जैसे प्रसंग की कल्पना करते समय विशेष उदाहरणों वाक्यों का प्रयोग करके 8 से 10 वाक्य लिखो। वन महोत्सव जैसे प्रसंग की कल्पना करते हुए आपको उदाहरणों वाक्यों का प्रयोग करके 8-10 वाक्य आपको लिखने हैं, तो आप इस तरह से वो 8-10 वाक्य लिख सकते हो। संभाषणीय, संभाषणीय में हमें दिया है जय जवान जय किसान नारे पर अपने विचार कक्षा में प्रस्तुत करो। 1965 की बात है, उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान ने हमारे देश पर चढ़ाई कर दी। उस समय लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। ऐसे संकट काल में राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने की आवश्यकता थी। देश में भावनात्मक एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने नारा लगाया जय जवान जय किसान। इस नारे ने जादू का असर किया भारतीय सैनिकों पर। भारतीय हिंदू सैनिकों ने ही नहीं, उनके साथ भारतीय मुस्लिम सैनिकों ने भी स्वदेश की रक्षा के लिए पाकिस्तानियों का डटकर सामना किया। यह नारा सरहद पर खड़े जवान एवं खेत में काम करते किसान की अतुट मेहनत एवं श्रम को दर्शाता है। वो नारा है जय जवान जय किसान। श्रवणीय, आपको सुनना है, क्या सुनना है आपको? रेडियो या दूरदर्शन पर जैविक खेती के बारे में जानकारी सुनो और सुनाओ। आपको रेडियो या दूरदर्शन पर जैविक खेती के बारे में जानकारी सुननी है और आपको वो सुनकर दूसरों को सुनानी है, तो यही जानकारी अगर आप सुनाते हो तो भी चलेगा। पृष्ठ क्रमांक 38 पर कुछ सवाल दिए है, तो उनमें से सवाल है सूचना के अनुसार कृतियां करो। उसमें दिया है प्रवाह तालिका पूर्ण करो, आपको ये प्रवाह तालिका पूर्ण करनी है। प्रवाह तालिका में हमें दिया है मनुष्य द्वारा खेती करने पर हुए लाभ। मनुष्य द्वारा खेती करने पर हुए लाभ, काम कई हिस्सों में बट गया, गांव और कस्बे बने, लोग गांव और कस्बों में आबाद होने लगे, शिकार करने से कई गुना आसान ये काम था, इसी के सामने दो नंबर दिया है कारण लिखो। कारण में हमें अ दिया है अनाज सुरक्षित रखना प्रारंभ हुआ, तो इसका जो कारण है ये जो पृष्ठ 36 है इसी के इसमें और जो ऊपर वाला पृष्ठ है इन दोनों में इसका जवाब आया है, इसका कारण आया है अनाज सुरक्षित रखना प्रारंभ हुआ क्योंकि जमीन में बहुत सारा अनाज पैदा होता था, इसे एकदम खाया नहीं जा सकता था, इसलिए अनाज सुरक्षित रखना प्रारंभ हुआ। ओके, आगे हमें ब दिया है मनुष्य को रोज शिकार खेलना पड़ता, तो पठनीय, पठनीय के बाजू में इसका कारण आया है, तो इसका कारण है क्योंकि
क्योंकि स्वयं का पेट भरने के लिए उसे रोज शिकार खेलना पड़ता। वीडियो आवडला असेल तर लाईक या बटणावर क्लिक करा आणि तुमच्या मित्र मैत्रिणींना हा व्हिडिओ शेअर करा। चॅनलला सबस्क्राइब करा व नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि कमेंट बॉक्स मध्ये तुमचे नाव व तुमच्या शाळेचे नाव कमेंट करा। इसी के आगे कह दिया है, दुनिया में गरीब आदमी है। तो इस सवाल का जवाब संभाषणीय के बाजू में आया है, तो इसका जवाब हम इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि जो आज बिल्कुल काम नहीं करता है उसके पास बहुत सारा धन आ जाता है, और जो दिन रात पसीना बहाता है वो खाली हाथ ही रहता है। इस बुरे इंतजाम के कारण दुनिया में गरीब आदमी गरीब है। इसी के आगे हमें ड दिया है, लोग बैंक में रुपए रखते। ये जो चित्र है, इस चित्र के बाजू में यहाँ पर इस सवाल का जवाब आया है, तो इस सवाल का जवाब है क्योंकि उनके पास अतिरिक्त रुपए होते इसलिए लोग बैंक में रुपए रखते। तीन नंबर का सवाल दिया है, उचित जानकारी लिखो। काम का विभाजन इनमें हुआ, तो किन में हुआ? ये जो परिचय आया ना, इस परिचय के बाजू में इसका जवाब आया है, तो काम का विभाजन मर्द और औरत इनमें हुआ। चार नंबर का सवाल है, कृति पूर्ण करो। उस जमाने में उसे अमीर कहा जाता था जिसके पास क्या होता था, जिसके पास गाय, भेड़े, ऊंट और अनाज होता था, उसे उस जमाने में अमीर कहा जाता था। भाषा बिंदु में हमें एक नंबर दिया है, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखो। तो शब्द समूह के लिए आपको एक शब्द लिखना है, जानवरों को चराने की जगह, तो उसे क्या कहते हैं? चरागाह। जिनके पास बहुत से अतिरिक्त रुपए उसे क्या कहते हैं? मालदार। इसी ही एक नंबर के नीचे हमें दो नंबर का सवाल दिया है, वाक्य शुद्ध करके लिखो। यहाँ पर वाक्य आपको जो अशुद्ध वाक्य दिए है आपको वो शुद्ध कर लिखने, तो इनमें से ये जो तीन वाक्य है इनको शुद्ध कर आप इस तरह से लिख सकते हो। इसी के ही बाजू में हमें मौलिक सृजन दिया है, मौलिक सृजन में कृषि क्षेत्र में किए गए नए नए प्रयोगों से होने वाले लाभ लिखो। कृषि क्षेत्र में नए नए प्रयोग हो रहे उनमें से होने वाले लाभ को आपको लिखना है, तो कृषि क्षेत्र में जो प्रयोग हो रहे उनमें से होने वाले लाभ है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, फसलों को नष्ट होने से मुक्ति, कीट मुक्त फसल के उत्पादन में बढ़ोतरी, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र पर कम प्रभाव, नदियों और भूजल में रसायनों का कम अपव्यय। उपयोजित लेखन में तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम विषय पर लगभग 100 शब्दों में निबंध लिखो। आपको तंबाकू सेवन के दुष्परिणाम विषय पर लगभग 100 शब्दों में निबंध लिखना है, तो आपको निबंध कहीं और खोजने की जरूरत नहीं, तो आप इस प्रकार वो निबंध लिख सकते हो। मैंने इस पाठ से समझा, प्रस्तुत पत्र जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी इंदिरा को लिखा। जवाहरलाल नेहरू जी ने पत्र में खेती के विषय में चर्चा की, आदिम अवस्था से आगे बढ़कर खेती के माध्यम से हुए मानवीय सभ्यता के क्रमिक विकास को बताया गया है। नेहरू जी ने
अमीरी गरीबी के मानदंड एवं बजट प्रणाली को सुंदर ढंग से समझाया है। नेहरू जी खेती में आई तब्दीलियों को या तब्दीलियों से खुश है। बैंकों को खुलने से खेतों के आदमियों के काम करने आदि से वह प्रसन्न है, जिसे उन्होंने सुंदर ढंग से पत्र में प्रस्तुत किया है। स्वयं अध्ययन में हमें दिया है, पारंपरिक तथा आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का तुलनात्मक चार्ट बनाओ। आपको आधुनिक कृषि और जो पारंपरिक कृषि है उसमें तुलना करनी है। तो पारंपरिक कृषि और आधुनिक कृषि, पारंपरिक कृषि में इसमें खेती 100 उपभोग के लिए होती है और आधुनिक कृषि में आज खेती एक व्यावसायिक रूप में उपयोग होती है। पारंपरिक कृषि में लोग खेत में हल और बैल से खेती करते थे, तो आधुनिक कृषि में आज सारी खेती मशीनों और ट्रैक्टर द्वारा होती है। पारंपरिक कृषि में लोग सिर्फ गोबर व सड़े पदार्थों को उर्वरक के रूप में उपयोग करते थे और आधुनिक कृषि में आज कृषि में ऐसे ऐसे रासायनिक उर्वरक आए हैं कि उससे फसल उपजाऊ ही होती है। पारंपरिक कृषि में एक खेत में कई लोग लगते थे और आधुनिक कृषि में आज सिर्फ एक मशीन से सब काम होता है। चलो तो दोस्तों मिलते हैं अगले स्वाध्याय में, तब तक बाय, टेक केयर। चैनल ला सब्सक्राइब केलं नसेल तर सब्सक्राइब या बटणावर क्लिक करा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक या बटणावर क्लिक करा आणि तुमच्या मित्रांना शेअर करा। चला तर विद्यार्थी मित्रांनो भेटूया पुढच्या स्वाध्यायामध्ये, तोपर्यंत बाय, टेक केअर।